हमारे बीच उपस्थित दिल्ली के विधायकगण, मेरे साथी प्रशासन से, पुलिस से, सीआरपीएफ से, आर्मी से, और मेरे साथ में जो लंगर ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं और जो लंगर सेवादार हैं, उन सब का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने आज हमें अपने बीच बुलाया और एक दूसरे के सम्मुख किया। आज बड़ा अच्छा दिन है कि हम एक अच्छे खुशगवार माहौल में मिल रहे हैं, लेकिन ये कुछ दिन पहले हमारे बीच में कुछ ऐसे मतभेद हो गए थे, इसी जगह पर हम मिले थे, और तब और आज में हम बहुत लंबा सफ़र हमने तय किया है और यात्रा बड़ी सफलतापूर्वक चल रही थी। इसमें आपके लंगर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो सहकर्मी या हमारे साथ में पुलिस, आर्मी, पुलिस सभी ने योगदान दिया है। मैं अपने विधायकगण साहब को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम तत्पर रूप से, चाहे वो किसी भी मदद से हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हो, उन्होंने अपना पूरा यथाशक्ति योगदान दिया है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। और शायद आपने महसूस भी किया होगा, हमारे जो सब लोग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सदस्यों ने, हमारे सेवादारों ने शायद इस चीज़ को महसूस किया होगा, और हम फिर यकीन दिलाते हैं कि हम आपके लिए हैं और यहाँ पे जो हम कार्य कर रहे हैं इस यात्रा को स्थायी रूप से और अच्छे रूप से चलाने के लिए कर रहे हैं और तत्पर हैं और आगे करते रहेंगे। दूसरा, आज मुझे एक मौका मिला है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कल कुछ ऐसी नाखुशगवार वारदात हो गई हमारे पंजाब में, जिसका असर जो है इस यात्रा में पड़ता दिख रहा है, और आप मेरे साथ सहमत होंगे इस बात में। उस असर को कम करने के लिए, रादर मतलब कि उसका और ज़्यादा विपरीत असर मत हो हमारी यात्रा पे, मैं आप सब लंगर वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आप लोगों की परमिशन है, तब तक आप यहाँ पर डटे रहिए। हम मुझे पूरा भरोसा है, शायद आप भी आगे देखेंगे यात्रा फिर पिकअप करेगी, और मुझे लगता है आपके मन से, सब लोग के मन से भी एक विशेष मैसेज आना चाहिए। महेंद्र गोयल जी इधर हैं, बाकी विधायकगण इधर हैं, मैं लगता हूँ कि कोई एक आपकी तरफ से व्यक्ति होनी चाहिए। जॉइंट की यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और आगे भी चलेगी, अभी ये यात्रा का समापन नहीं हुआ है। बाकी जो बात महेंद्र जी ने रखी है हमारे आगे, वो मैं उचित पटल पे उसको उठाऊंगा और बात रखेंगे, और उम्मीद है उस पर गौर होगा। तो मैं आपको एक बार फिर यहाँ से, इस मंच से एक रिक्वेस्ट करता हूँ गोयल साहब को कि जब आप दिल्ली जाते हो वापस, तो हमारी बात रखिए वहाँ पर, एक कोई प्रेस विज्ञप्ति दीजिए अपनी तरफ से कि अभी यात्रा सुचारू है, अभी बंद नहीं है, अभी मतलब जैसे आपने बताया आपको दी कि सावन के महीने का एक विशेष महत्व रहता है इस यात्रा में, तो लोगों को और रिक्वेस्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ आए, और उनका विशेष प्रबंध है। और लंगर वालों की तरफ से भी आह्वान किया जाए कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी, खाने पीने का, रहने का एकदम मतलब उच्चतम प्रबंधन किया गया है प्रशासन द्वारा, ये लोगों के बीच में जाके बिठाएं। तो मुझे उम्मीद है आपकी बात लोग गौर से सुनेंगे, और अभी भी यात्रा जो एक महीने में है पड़ा हुआ है, तो उम्मीद है इससे बराबर जितनी अभी तक हुई है इतनी यात्रा और आएगी। शुक्रिया, धन्यवाद।